हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। लास्ट क्लास में हमने कहाँ तक के पढ़ लिया था? लास्ट क्लास में हमने एरिडिटी इंडेक्स पढ़ ली थी, राइट? आज हम स्टार्ट करते हैं डिज़ाइन ऑफ रेन गेज। रेन गेज कैसे डिज़ाइन करते हैं, ठीक है? तो बेसिकली काम की बात ये कि एवरेज रेनफॉल हमने देखा था कि एवरेज रेनफॉल कैसे निकालते हैं। एवरेज रेनफॉल में डेटा कलेक्ट करना पड़ेगा हमको, है ना? अब वो डेटा कहाँ से कलेक्ट करोगे? डेटा कलेक्ट करोगे तुम कहाँ से? एवरेज रेनफॉल का डेटा कहाँ से आएगा? जब रेन गेज इंस्टॉल करोगे वहीं से तो डेटा लेके आओगे। तो आज का जो मेन कंसर्न है हमारा वो है डिज़ाइन ऑफ रेन गेज। रेन गेज सिंपली जिससे रेनफॉल मेजरमेंट होता है वो होता है रेन गेज। तो कितने रेन गेज लगाना है, कहाँ लगाना है, कैसे लगाना है ना, ये सारी चीज़ें हमें आज पढ़नी है। तो इसमें एक WMO के रिकमेंडेशंस है और एक इंडियन स्टैंडर्ड रिकमेंडेशंस है, तो वो पढ़ने पड़ेंगे। और कितने टाइप के होते हैं, क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें देखनी पड़ेगी। तो आज की फर्स्ट हेडिंग डालो, डिज़ाइन ऑफ रेन गेज स्टेशन। डिज़ाइन ऑफ रेन गेज स्टेशन। रेन गेज स्टेशन अगर मैं बात करूं, थोड़ा 2 मिनट ध्यान दो, सोचो कि भैया रेन गेज लगाना है, कितने लगाना है, उनकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी या डेंसिटी कितनी होगी, ये किस पे डिपेंड करेगा? ये 2 मिनट सोचो पॉज करके कि क्या होता है, ये कैसे कैसे किस चीज़ों पे ये डिपेंड करता है। सिंपली हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है अगर लिखे जाए तो इन ऑर्डर टू फाइंड, एवरेज रेनफॉल। इन ऑर्डर टू फाइंड एवरेज रेनफॉल फॉर एनी गिवन एरिया, फॉर एनी गिवन एरिया, ए प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेन गेज स्टेशन इज रिक्वायर्ड। हूज फ्रिक्वेंसी एंड डेंसिटी, फ्रीक्वेंसी और डेंसिटी डिपेंड्स अपॉन, काम की चीज़ आ गई, डिपेंड्स अपॉन द फॉलोइंग फैक्टर्स, डिपेंड्स अपॉन द फॉलोइंग फैक्टर्स। तो देखो टारगेट क्या है सर, रेनफॉल डेटा चाहिए। कहाँ से चाहिए सर? बारिश होगी तो बारिश को मेजर कर लो। कैसे मेजर करोगे सर? रेन गेज लगा दो। तो रेन गेज लगा दो तो भाई रेन गेज का डिस्ट्रीब्यूशन किस पे डिपेंड करेगा? तो पहली चीज मैग्नीट्यूड ऑफ रेनफॉल, एग्जाम में आता है ये मैग्नीट्यूड ऑफ रेनफॉल। तो ये मैग्नीट्यूड ऑफ रेनफॉल पे कैसे डिपेंड करेगा? तो भैया मैग्नीट्यूड ऑफ रेनफॉल ज्यादा, ज्यादा बारिश हो रही है, ज्यादा तेजी से बारिश हो रही है, तो रेन गेज क्या लगाओ? ज्यादा लगाओ, ठीक है?
कम बारिश, अब पता लगे तुमने रेन गेज बहुत सारे लगा दिए, कितने 1,000 रेन गेज लगा दिए राजस्थान में, कहाँ पे राजस्थान में 1,000 रेन गेज लगा दिए और भैया वहाँ बारिश ही नहीं हो रही है, नो रेनफॉल, नो रेन, तो क्या मतलब के, क्या मतलब के 1,000, तो जहाँ पे ज़्यादा बारिश वहाँ पे ज़्यादा रेन गेज, जहाँ पे कम बारिश वहाँ पे कम रेन गेज, रेन गेज क्या करते हैं, रेनफॉल मेजर करते हैं। दूसरा टोपोग्राफी, टोपोग्राफी, टोपो ग्राफी ऑफ द रीजन, ऑफ द रीजन, प्लेन एरिया है कम रेनफॉल, ध्यान से सुनना, प्लेन एरिया है कम रेन गेज, ठीक है, हिली एरिया है, हिली एरिया में रेनफॉल ज़्यादा होगी तो ज़्यादा रेन गेज, ठीक है, तो डेंसिटी क्या होगी वहाँ, ज़्यादा होगी, वो डेंसिटी क्या है, वो IAS रिकमेंडेशंस में दिया है और WMO ने भी दिया हुआ है, तो हम वो वहाँ पे पढ़ेंगे। अभी के लिए याद रखो टोपोग्राफी पे डिपेंड करेगा क्या, डेंसिटी ऑफ रेन गेज या फिर फ्रिक्वेंसी ऑफ रेन गेज, ठीक है। थर्ड चीज़, ये तो सबको पता होगा, डिजायर्ड लेवल ऑफ, डिजायर्ड लेवल ऑफ एक्यूरेसी, बोले तो क्या भैया तुमको एक्यूरेसी ज़्यादा चाहिए, एक्यूरेसी ज़्यादा चाहिए तो रेन गेज ज़्यादा लगाओ, क्यों, रेन गेज ज़्यादा लगाओगे ज़्यादा डेटा आएगा, ज़्यादा एक्यूरेसी आएगी, सिंपल सा फंडा, और कुछ इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है, रेन गेज ज़्यादा एक्यूरेसी चाहिए तो ज़्यादा रेन गेज लगाओ, ज़्यादा डेटा आएगा तो ज़्यादा एक्यूरेसी आएगी, ठीक है, सिंपली, कम एक्यूरेसी चाहिए कम लगाओगे, कम डेटा आएगा कम एक्यूरेसी आएगी, ठीक है, तो ये बात हो गई तीन इंपॉर्टेंट चीज़, पहला मैग्नीट्यूड, दूसरा टोपोग्राफी और एक्यूरेसी पे, डिजायर्ड लेवल ऑफ एक्यूरेसी पे डिपेंड करता है क्या, फ्रिक्वेंसी या फिर डेंसिटी ऑफ रेन गेजेस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ अब मेजरमेंट ऑफ रेनफॉल, नेक्स्ट टॉपिक मेजरमेंट ऑफ रेनफॉल, मेजरमेंट ऑफ रेनफॉल, तो ये मेजरमेंट ऑफ रेनफॉल क्या है, कैसे मेजर करते हैं, तो रेनफॉल मेजर होती है डेप्थ की टर्म्स में, मैंने कल बताया था, तो अभी उसी को लिख लेते हैं सिंपली कि कैसे मेजर होती है, तो लिखते हैं रेनफॉल, रेनफॉल इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ डेप्थ, टू विच वॉटर वुड स्टैंड, वॉटर वुड स्टैंड ऑन एन एरिया, ऑन एन एरिया इफ ऑल द रेन गेज, ऑल द रेन वाटर, इफ ऑल द रेन वाटर वॉज टू बी कलेक्टेड ऑन इट, ठीक है, एरिया को कांस्टेंट रख दो, जो भी वेरिएशन आएगा वो किसके कारण आएगा, डेप्थ के कारण आएगा, वो डेप्थ मेजर कर लो, ठीक है, सिंपली मेन चीज इंपॉर्टेंट, सेकेंड पॉइंट मेजरमेंट ऑफ रेनफॉल में, सेकेंड पॉइंट रेनफॉल इज मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट, नाम याद रखना इनके बहुत सारे नाम है, रेनफॉल, रेनफॉल इज मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट, बाय एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड एज व्हाट, कॉल्ड एज रेन गेज, रेन गेज, सर ये तो एक ही नाम हुआ, आगे की कहानी देखो, विच इज ऑल्सो नोन एज, विच इज ऑल्सो नोन एज, रेन गेज इज ऑल्सो नोन एज फर्स्ट पल्वियोमीटर, पहला नाम, दूसरा ऑम्ब्रोमीटर,
दूसरा नाम इंसान एक है, नाम अलग अलग। तीसरा हाइटोमीटर, हाइटोमीटर, ठीक है। और लास्ट नाम उडोमीटर, उडोमीटर। इंसान एक, नाम अनेक, ठीक है। तो ये हो गए, नाम याद रखना, नाम क्या क्या है देख लो एक और बार। फल्वियोमीटर, ओम्ब्रोमीटर, हाइटोमीटर एंड उडोमीटर, क्या रेन गेज के अलग अलग नाम। गुड आफ्टरनून नीतीश। देखो रेन गेज के अलग अलग नाम क्या क्या है, पल्वियोमीटर, ओम्ब्रोमीटर, हाइटोमीटर एंड उडोमीटर। तो एग्जाम में तुमको पूछ सकता है कि भैया ये क्या क्या है तो बता देना, ठीक है। सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट। रेन गेज, रेन गेज बेसिकली कंसिस्ट ऑफ, होता क्या क्या है इसमें देख लो। कंसिस्ट ऑफ ए सिलेंड्रिकल वेसल, अभी बनाएंगे अपन तो और देखेंगे क्या क्या होता है सिलेंड्रिकल वेसल, ठीक है। विच इज कैप्ट, विच इज कैप्ट, विच इज कैप्ट इन द ओपन, ओपन में रखना पड़ेगा। अब तुम रेन गेज घर में इंस्टॉल कर लो, बारिश ही नहीं हो रही तो क्या मतलब भाई, खुले में, खुले मैदान में रख दो या कहीं ऐसी जगह रखो, वो कहाँ कहाँ रखना है, कैसे रखना है, वो सारी चीजें मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। कैप्ट इन ओपन इन ऑर्डर टू कलेक्ट रेन वाटर, इन ऑर्डर टू कलेक्ट रेन वाटर, ठीक है। सिंपली सो नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट काम के पॉइंट है ये। फॉलोइंग रिक्वायरमेंट्स, ये याद रखना है, ये एग्जाम में आएगा। फॉलोइंग, फॉलोइंग रिक्वायरमेंट्स आर टू बी सेटिस्फाइड, आर टू बी सेटिस्फाइड बिफोर बिफोर रेन गेज इज इंस्टॉल्ड, बिफोर रेन गेज इज इंस्टॉल्ड। कौन सी रिक्वायरमेंट्स है वो, तो देखो भैया, पहली पहली रिक्वायरमेंट, फर्स्ट रिक्वायरमेंट, रेन गेज में हमेशा क्या रखना है, फेंसिंग रखना है। क्यों फेंसिंग क्यों रखना है, कि देखो ये तुमने क्या किया, ये तुमने रेन गेज इंस्टॉल कर दिया है यहाँ पे। सर हमने तो रेन गेज इंस्टॉल करके आ गए, तो अच्छा ठीक है कर दो। अब वो जहाँ पे भी इंस्टॉल करोगे और फेंस नहीं लगाओगे, ये तुम्हारी क्या है, फेंस है, फेंस, तो अगर तुम फेंस नहीं लगाओगे तो कहाँ रहते हैं इंडिया में, तो लोग बाग आएंगे चेक करेंगे क्या है ये। बोले यार ये ग्लास का फ्लास्क है, एक ग्लास का सिलेंड्रिकल वेसल है, तो यार ये तो यहाँ अच्छा नहीं दिख रहा है, उठा के घर ले चलते हैं, तो लोग बाग इंटरफेयर करेंगे, एनिमल्स इंटरफेयर करेंगे। बोले पानी मिल गया चलो पी लेते हैं, ठीक है। इंडिया में रह रहे हो तो लोग मिल गए, लोग लोग देखे ग्लास है, उठा के ले चलो घर में, व्यवस्था जमाते हैं आज, बढ़िया, ठीक है। तो ये क्या है, उसके लिए फेंस रखना पड़ेगा, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट जो है फेंस की, ए रेन गेज ये पूछा जाता है, इसके डायमेंशंस पूछे जाते हैं। रेन गेज, रेन गेज मस्ट बी सराउंडेड बाय, रेन गेज मस्ट बी सराउंडेड बाय ओपन फेंस, ओपन फेंस्ड एरिया, ओपन फेंस्ड एरिया ऑफ एटलीस्ट कितना, 5.5, ये काम का, ये 5.5 मीटर क्रॉस, 5.5 मीटर कम से कम इतना तो होना ही चाहिए, ठीक है। इतने का फेंस तो बनाना ही है कम से कम, इससे ज़्यादा पैसा बहुत है सरकार के पास, बना दो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, पर कम से कम इतना तो चाहिए। दूसरा,
दूसरा क्या होगा कि ये मैंने यहाँ रेनगेज इंस्टॉल, सर फेंस लगा दिया मैंने, अब आपने बोला था यहाँ रेनगेज भी मैंने इंस्टॉल कर दिया, ठीक है, पर ये तुमने कहाँ इंस्टॉल कर दिया, ये यहाँ पे बहुत बड़ी बिल्डिंग है ना, अपने अंबानी जी का घर है और उनके साइड में तुमने क्या कर दिया, फेंस रेनगेज इंस्टॉल कर दिया, तो अब बारिश तो हो रही है, अब बारिश जरूरी है कि ऐसे सीधी सीधी होगी तो सीधी सीधी यहाँ गिर जाए, नहीं, अब बारिश क्या कैसे किस पे डिपेंड है, हवाओं के रुख पे, तो हवाओं का रुख बदल गया, अब बारिश ऐसी हो रही है, अब बारिश ऐसी हो रही है, तो भैया बारिश ऐसी हो रही है तो क्या ये बिल्डिंग क्या करेगी, इंटरफेयर करेगी, अब यहाँ का जो इतना जो पानी आ रहा था वो अपने यहाँ तक के नहीं पहुंच पाएगा, वो तो बस इतना ही गिर रहा है, इधर का तो गिर नहीं रहा, तो भैया बिल्डिंग का भी ध्यान रखना पड़ेगा कि बिल्डिंग से कितनी दूर रखना है ना, कि बड़ी 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 स्टोरीज है उनसे कितनी दूर होना चाहिए, तो दूसरा पॉइंट आता है ये कि भैया रेन गेज मस्ट बी इंस्टॉल्ड, रेन गेज मस्ट बी इंस्टॉल्ड, एट अ डिस्टेंस ऑफ एटलीस्ट, कम से कम एटलीस्ट 30 मीटर, कम से कम 30 मीटर, या फिर और 2 into द हाइट ऑफ बिल्डिंग, द हाइट ऑफ बिल्डिंग और ऑब्स्ट्रक्शन, ठीक है, ऑब्स्ट्रक्शंस, तो व्यवस्था समझ में आ गई कि अंबानी जी का घर है तो वो अपने घर में अंबानी है, सरकारी काम में कोई अंबानी नहीं, तो भैया यहाँ से दूर रखना है कितना, या तो 30 मीटर दूर रखो इनके घर से, या तो 30 मीटर दूर रखो, या तो फिर कितना दूर रखो, 2 into हाइट ऑफ द बिल्डिंग, है ना, जो भी मैक्सिमम होगा उसको उतना दूर रख देना, ठीक है, तो ये दूसरी हो गई, ठीक है, थर्ड पॉइंट देखो अब क्या सीन है, अब तुम क्या गए वहां पे गए मेजर करने, ये तुम्हारा क्या रखा था, रेन गेज रखा था, तो इसको लेवल सरफेस पे रखना है, तुमने रख दिया, कैसे रख दिया तुमने, तुमने ये लेवल सरफेस पे नहीं रखा, तुमने ऐसा कहीं ऐसा ये रेन गेज रख दिया, और तुम गए भैया रीडिंग देखने, तो जब ये वाटर आएगा तो रीडिंग क्या आएगी, इनएक्यूरेट आएगी, तो रेन गेज कैसे रखना है, लेवल्ड सरफेस पे, तो लास्ट पॉइंट थर्ड जो प्रोविजन है वो क्या प्रोविजन है, रेन गेज मस्ट बी इंस्टॉल्ड, रेन गेज मस्ट बी इंस्टॉल्ड ऑन लेवल्ड ग्राउंड सरफेस, ठीक है, ग्राउंड लेवल्ड ग्राउंड सरफेस फ्री फ्रॉम इंडुलेशंस, ठीक है, तो ये सारी व्यवस्था है रेन गेज लगाने की, एक छोटा सा डायग्राम बना लो कि यहाँ तुम्हारा ये रेन गेज है, फेंस लगानी है, चलो फेंस लगाओ, ये फेंस लगा दी, फेंस के डायमेंशंस कितने होने चाहिए, फेंस के डायमेंशन ग्रेटर देन और इक्वल टू कितना होना चाहिए, 5.5, कम से कम इतना तो होना ही चाहिए, ये इसका डायमेंशन कितना होना चाहिए, इसका भी ग्रेटर देन और इक्वल टू 5.5 मीटर, ठीक है, और क्या बिल्डिंग और ऑब्स्ट्रक्शन तो कितनी दूर होना चाहिए, मान लो ये तुम्हारा ऑब्स्ट्रक्शन है, ये यहाँ तुम्हारा कोई एक ऑब्स्ट्रक्शन है, क्या ये बिल्डिंग है, बिल्डिंग और ऑब्स्ट्रक्शन, ऑब्स, ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होनी चाहिए, तो ये होनी चाहिए मैक्सिमम ऑफ 30.2 h, 2 h इंटू कितनी हाइट है उसकी, ठीक है, तो अपने को पढ़ाई कैसी करनी है, अपने को ये इतनी कथा लिखनी तो है नोट्स में, पर पढ़ना कैसे 2 सेकंड में, ट्रिक क्या है कि ये डायग्राम बनाया है तो डायग्राम देख के पता लग गया कि ये 5.5 दूर होना चाहिए, फिर
फेंस होना चाहिए पहली बार, ठीक है। अब लेवल सरफेस पे होना चाहिए, रीडिंग सही से आएगी, ठीक है। और ऑब्स्ट्रक्शन से कितना दूर होना चाहिए, 30 मीटर या फिर 2H का जो भी मैक्सिमम आएगा वो। तो ये सिंपली रेन गेज पढ़ लिया, आगे बढ़े, फिर दूसरा टॉपिक पढ़े, फिर तीसरा पढ़े, ऐसे शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है। डायग्राम बना बना के रख लो हर चीज के, और सिर्फ देखने से समझ आ जाए, और अपने कीवर्ड्स यूज करो। जैसे मैंने रेन गेज के लिए RG यूज कर लिया, ऑब्स्ट्रक्शन के लिए ऑप्स यूज कर लिया, तो अपने अपने ऐसे यूज करो। अब देखो होता क्या है, तुम ये इतना रीडिंग करोगे, रेन गेज मस्ट बी सराउंडेड बाय ऐसे ऐसे, ये वो, टाइम लगता है, तो वो टाइम बचाना है, बस यही फर्क है एग्जाम निकालने में और एग्जाम नहीं निकालने में। देख के तुमको पता चल जाना चाहिए, एक बार पूरी रीडिंग मारो फर्स्ट टाइम जब पढ़ो, और सेकेंड टाइम से सिर्फ ये देख लो कि रेन गेज के इंस्टॉल रिकमेंडेशन क्या थे, कि कितना कितना दूर रखना है रेन गेज इंस्टॉल करते टाइम, ठीक है। तो ये बात हो गई किसकी, रेन गेज की। आगे बात करते हैं कि रेन गेज कितने टाइप्स होते हैं। तो नेक्स्ट, रेन गेज, नेक्स्ट पॉइंट, रेन गेज कैन बी ब्रॉडली ब्रॉडली क्लासिफाइड अंडर टू कैटेगरीज। कौन सी कैटेगरीज हैं? फर्स्ट कैटेगरीज इज नॉन रिकॉर्डिंग टाइप, नॉन रिकॉर्डिंग रेन गेज, नॉन रिकॉर्डिंग रेन गेज। तो दूसरा कौन सा होगा सर? रिकॉर्डिंग होगा और क्या, ठीक है, रिकॉर्डिंग रेन गेज, ठीक है। ये दो टाइप के होते हैं, फर्क क्या है? फर्क ये है, नॉन रिकॉर्डिंग रेन गेज में, नॉन रिकॉर्डिंग रेन गेज में भैया तुमको डेली जाना पड़ेगा, ठीक है, तुमको डेली जाना पड़ेगा, साढ़े कितने बजे, 8:30 बजे, ठीक है। और इसमें डेटा जो रहेगा कंटिन्यूअस नहीं मिलेगा तुमको। वहीं रिकॉर्डिंग टाइप में तुमको क्या है, एक आध दिन छुट्टी भी मार ली तो भी तुमको क्या मिलेगा, कंटिन्यूअस डेटा मिल जाएगा। वो कैसे मिलेगा वो देखेंगे, ठीक है। नॉन रिकॉर्डिंग में सबसे बड़ा ड्रॉबैक यही था कि एक आदमी की ड्यूटी लगा दो, रोज सुबह 8:30 बजे उसको भेजो। अब रेन गेज कहाँ इंस्टॉल किए, मान लो तुमने कहीं पहाड़ी पे इंस्टॉल कर दिए, हिल्स पे। अब डेली बेचारा हिल चढ़ेगा, हिल उतरेगा, उसका दिमाग कर रही होगा, तो क्या हुआ, फिर टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट आया तो रिकॉर्डिंग टाइप रेन गेज आया। उसके बाद अभी और लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज आई है, तो वो भी देखेंगे कौन सी टेक्नोलॉजी क्या क्या होता है, इतना ही देखना है, ज़्यादा कुछ नहीं पूछते इससे। तो फर्स्ट हेडिंग डालो नॉन रिकॉर्डिंग रेन गेज, फर्स्ट हेडिंग नॉन रिकॉर्डिंग रेन गेज। नॉन रिकॉर्डिंग रेन गेज क्या है, देखो सिंपली, दिस कंसिस्ट ऑफ ए सिलेंड्रिकल वेसल, दिस कंसिस्ट ऑफ ए सिलेंड्रिकल वेसल हुज एरिया इज नोन। देखेंगे अभी सब देखेंगे, हुज एरिया इज नोन एंड विच इज हैविंग ग्रेजुएशंस, उसमें मार्किंग होगी, क्या होगी, मार्किंग होगी। तो याद रखना एक चीज, नॉन रिकॉर्डिंग टाइप रेन गेज कौन सा है, तो यहाँ लिख लो कौन सा रेन गेज है, वो साइमंस रेन गेज है। कौन सा, साइमंस रेन गेज, कैसा है वो, नॉन रिकॉर्डिंग टाइप। तो अभी एक साइमंस रेन गेज बना के दिखाते हैं कि कैसा दिखता है ये, ठीक है। तो साइमंस रेन गेज बनाओगे, पहले तो प्लेन सरफेस चाहिए, ठीक है, तो पहले प्लेन सरफेस बनाते हैं, कंक्रीट का एक सरफेस बनाते हैं, कंक्रीट का सरफेस बनाया, ये तुम्हारा क्या है, ग्राउंड लेवल, ये क्या है तुम्हारा, ग्राउंड लेवल है। यहाँ पे क्या करो,
ये इसको इंसर्ट कर दो, ठीक है, ये तुमको ना इसको इंसर्ट कर दिया रेन गेज को। रेन गेज के अंदर होती है एक बॉटल, ये बॉटल है, ठीक है, इसमें होती है मार्किंग, ये मार्किंग है, ठीक है। अब इसमें क्या लगा रहता है, एक फनल लगा रहता है, क्या लगा रहता है, फनल, तो फनल बना दो। तो ये एक फनल यहाँ से ऐसा, इसके अंदर एक क्या बना रहता है, फनल, तो ये फनल बना हुआ, ठीक है, सिंपली। तो इसका जो ऊपर का डायमीटर है वो कितना होता है, ध्यान ये रखना है, 127 mm, कितना होता है वो, 127 mm, और ये क्या है तुम्हारा, ये कॉन्क्रीट है, अब वो फिक्स हो गया है ना, तो सारी दिक्कतें दूर हो गई। क्यों दूर हो गई, अब कोई आएगा, फेंस तो लगा ही है, कोई फेंस तोड़ के भी आता है तो भैया रेन गेज तो क्या है, अंदर घुसा हुआ है, फिक्स्ड कर दिया उसको, कहाँ घर ले जाओगे तुम, ठीक है, घर नहीं ले जाओगे, ऊपर से कवर कर रखा है तो ना ही एनिमल्स पानी पिएंगे, ठीक है, ये सारे ऐसा दिखता है कुछ। इसका नाम क्या है, साइमंस रेन गेज, ठीक है। ये पूछ लेते हैं कभी कभी कि साइमंस रेन गेज कौन से टाइप का है, तो साइमंस रेन गेज कौन सा है, नॉन रिकॉर्डिंग टाइप रेन गेज है, ठीक है। इसके थोड़े स्पेसिफिकेशंस लिख लो, और इंडिया में क्या यूज करते हैं, ये यूज करते हैं इन इंडिया, द मोस्ट कॉमनली यूज, द मोस्ट कॉमनली यूज नॉन रिकॉर्डिंग टाइप, नॉन रिकॉर्डिंग इज नॉन रिकॉर्डिंग इन इंडिया, द मोस्ट कॉमनली यूज नॉन रिकॉर्डिंग टाइप रेन गेज, रेन गेज इज साइमंस रेन गेज, साइमंस रेन गेज, ठीक है, विच हैज कलेक्टिंग कलेक्टिंग डायमीटर, विच हैज ए कलेक्टिंग डाया ऑफ 127, ये चीज याद रखना, 127 mm, ठीक है, एग्जाम में पूछ सकते हैं, ठीक है। ये तो क्या थी, पुरानी टेक्नोलॉजी थी, अब इंडिया ने क्या कहाँ स्विच कर लिया है, एक नई टेक्नोलॉजी पे स्विच कर लिया है, तो उसके बारे में लिखते हैं कि कौन सी नई टेक्नोलॉजी है। कुछ नहीं, इनने मटेरियल चेंज कर दिया है, तो मटेरियल क्या चेंज किया है, तो लिखो रिसेंटली, रिसेंटली IMD, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट हैज स्विच्ड ओवर द यूज ऑफ नाम में ही सब देखना, फाइबर, फाइबर ग्लास रेनफोर्स्ड, रेनफोर्स्ड पॉलिस्टर, इंडिया ने किस पे स्विच कर दिया, फाइबर ग्लास रेनफोर्स्ड पॉलिस्टर टाइप रेन गेज, पॉलिस्टर टाइप रेन गेज, ठीक है, विच ये पूछ सकता है, विच कम्स इन टू वेरिएंट्स, जैसे फोन भी आते हैं ना दो तीन वेरिएंट में, जैसे आईफोन लॉन्च कर दिया तीन चार वेरिएंट आ गए उसके, वैसे इनके भी वेरिएंट होते हैं, विच कम्स इन टू वेरिएंट्स, कौन से वेरिएंट है, वेरिएंट्स हैविंग वेरिएंट्स हैविंग कलेक्टिंग एरिया, किस पर डिपेंड करेगा, कलेक्टिंग एरिया ऑफ, एरिया कितना है, कलेक्टिंग एरिया है 100 cm² एंड 200, मतलब दो दो वेरिएंट्स है, एक 100 cm² वाला वेरिएंट है और एक 200 cm² वाला वेरिएंट है, ठीक है। बेसिकली तो नॉन रिकॉर्डिंग टाइप में इतना ही पढ़ना है और कुछ नहीं पढ़ना है, ठीक है। अब इसमें सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है, सुबह 8:30 बजे, समय याद रखो, सुबह 8:30 बजे
ये पहाड़ पे तुमने यहाँ रेन गेज इंस्टॉल कर रखा है साइमंस फेंसिंग एंसिंग करके, एक आदमी रोज यहाँ से इधर जाएगा, ऊपर चढ़ेगा, रीडिंग नोट करेगा, फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा अगले दिन, फिर नीचे आएगा। तो भैया ये क्या चल रहा है? किसी दिन उसका मूड नहीं है, नहीं गया तो एरर आ गई। एरर क्यों आ गई? अब धान करप्शन तो होगा कि भाई ठीक है आज बारिश नहीं हुई, लिख देते 2 सेंटीमीटर बारिश हुई है, आज बारिश हुई है तो लिख देते 10 सेंटीमीटर, तो एरर तो आनी है ही, ठीक है। तो अब कहाँ स्विच किए लोगों ने? रिकॉर्डिंग टाइप। रिकॉर्डिंग टाइप में क्या है भैया, तुमको ग्राफ मिल जाता है, तुम जाओ नहीं जाओ कोई दिक्कत नहीं, तुमको एक ग्राफ मिल जाता है, हफ्ते में एक बार जाओ लेके आओ, 7 दिन की रीडिंग भर दो कि कितने कितनी बारिश हुई होगी, है ना। तो अब वो देखते हैं कि कैसा क्या है। तो सेकंड लिखो, सेकंड हेडिंग रिकॉर्डिंग रेन गेज। रिकॉर्डिंग क्या करना, क्या है मेन एम, क्या है? पानी नापना है कितनी बारिश हुई है, ठीक है। रिकॉर्डिंग टाइप रेन गेज, रेन गेज, ठीक है। तो सिंपली लिखो इसमें थोड़ा, दिस टाइप ऑफ रेन गेज प्रोड्यूस ए कंटिन्यूअस वेरिएशन ऑफ रेनफॉल विथ टाइम, समय के साथ बताता भाई ये, है ना। उसमें पता नहीं चल पा रहा था, उसमें तो ये पता चल रहा था कि पूरे दिन में बारिश हुई है इतनी, इसमें तुमको टाइम के साथ पता लगेगा कि 12 बजे इतनी बारिश हुई है, 10 बजे इतनी हुई है, 11 बजे उतनी हुई है ना। तो अब क्या हुआ, ये एडवांसमेंट हुआ। रिकॉर्डिंग टाइप में ये क्या है, एडवांसमेंट है, टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही है। जैसे प्रोसेसर i5 i3 i9 10th जनरेशन, पता नहीं कितने तो जनरेशन आ गए, तो वैसे ये इसमें भी एडवांसमेंट हुआ है, ठीक है। यूजिंग दिस डेटा, इस डेटा को यूज करके क्या बना सकते हो तुम? रेनफॉल इंटेंसिटी वर्सेस टाइम कर्व कैन ऑल्सो बी प्लॉटेड, ठीक है, कैन ऑल्सो बी प्लॉटेड, ठीक है। तो क्या क्या व्यवस्था है इसमें, कैसे रहेगा? देखो व्यवस्था बहुत शानदार है यहाँ पे, ये एक्सिस रहेगी, ग्राफ बनाना है किसकी, किसका ग्राफ है? टोटल, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान से सुनना, टोटल अमाउंट ऑफ रेनफॉल ये वाली एक्सिस पे, ठीक है। दूसरा टाइम दूसरी एक्सिस पे। देखो कभी भी ये वर्ड दिख रहे टोटल, ठीक है, कभी भी तीन चार वर्ड का याद रख नाम याद रखना, टोटल आ गया, ठीक है, या फिर एक्यूमुलेटेड आ गया, एक्यूमुलेटेड, ठीक है, या फिर और क्या आ सकता है, क्यूमुलेटिव, क्यूम्युलेटिव आ गया। जब भी तुमको ऐसे वर्ड दिखेंगे तो क्या बोलोगे, भैया ये कौन सा कर्व है? ये है मास कर्व। कौन सा कर्व है? मास कर्व, ठीक है, कौन सा कर्व है? ये मास कर्व है। वहीं अगर ये तो एक एक्सिस पे था, एक एक्सिस पे टोटल था, तो मैंने क्या यूज किया, मास कर्व। तो ये क्या बनाया मैंने, मास कर्व बनाया अभी, मास कर्व। अगर इधर पे भी टोटल आ जाए, ये वाली एक्सिस पे भी टोटल आ जाए, टाइम वाली एक्सिस पे भी अगर टोटल कोई दूसरी क्वांटिटी आ जाए, तो क्या बोलोगे, सर इधर भी टोटल, इधर भी टोटल, या फिर इधर भी एक्यूमुलेटेड, इधर भी एक्यूमुलेटेड, या फिर इधर भी क्यूमुलेटिव, या फिर इधर भी क्यूमुलेटिव, तो क्या नाम हो जाएगा उसका, उसका नाम हो जाएगा क्या, डबल, डबल मास कर्व, ठीक है, डबल मास कर्व। तो याद रखना मास कर्व क्या होते हैं और डबल मास कर्व क्या होते हैं, सिंपल सा फंडा है। अगर एक एक्सिस पे टोटल है तो सिंपली मास कर्व, अगर दोनों एक्सिस पे टोटल है या फिर एक्यूमुलेटेड है या क्यूमुलेटिव है,
तो क्या हो जाएगा, वो डबल मास कर्व हो जाएगा। अभी आगे पढ़ेंगे हम डबल मास कर्व, कंसिस्टेंसी, इनकंसिस्टेंसी, इन सब में पढ़ेंगे, ठीक है। बट अभी इधर फोकस करो। यहाँ पे देखने वाली बात ये है कि देखो इसमें क्या होता है कि बारिश कितनी हुई, सुबह 8:30 बजे तुम डेटा लेते हो, तो ये सुबह 8:30 बजे AM डेटा लिया तुमने, बोले सर खाली कर दो, ठीक है हो गया, ऑटोमेटिक खाली हो जाती है ये सब रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग वाले सब, ठीक है। टिपिंग बकेट वो सारी चीज़ें अपने को नहीं पढ़नी है ना, अपने को सिर्फ कंसेप्ट पढ़ना है। तो देखो अब क्या हुआ, 8:30 बजे तुम खाली हो गया, ग्राफ ले गए, अब तुम बस बैठे हो, चाय पी रहे हो, बारिश में मजे ले रहे हो, और ये अपना काम कर रहा है। कैसे कर रहा है, बारिश हो रही है, बारिश हो रही है, तो ग्राफ बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। फिर एक टाइम आया कि भैया सुबह के 11 बज गया, बारिश रुक गई, सुबह के 11 बजे बारिश रुक गई, तो ग्राफ क्या हो जाएगा, ऐसा ऐसा जाएगा। फिर बोले सर 2 बजे अपनी क्लास थी तो बारिश करवा देते हैं, क्लास नहीं जाना पड़ेगा, बट डिजिटल क्लास है तो क्या होगा, घर पे बैठ के पढ़ो। तो अब क्या हुआ, अब बारिश फिर से हो रही है, तो ये क्या हुआ, ग्राफ फिर से बढ़ रहा है। तो इस पे तुमको क्या है, अब क्या पता लगा, तुम गए चाय पी रहे थे, बढ़िया गए, ग्राफ देखा, डेटा कलेक्ट किया, ग्राफ बनाया, ग्राफ ऐसा बन रहा है, तो तुमको क्या पता लग गया कि सर 8:30 से 11 बजे तक के बारिश हुई है, यहाँ पे क्या हुई है, बारिश हुई है, रेन हुई है, पर सर यहाँ पे ग्राफ तो फ्लैट हो गया इतने एरिया में, और इतने एरिया का ड्यूरेशन क्या है, सुबह 11 से 2 बजे, तो यहाँ पे कोई रेनफॉल नहीं हुआ, नो रेनफॉल, नो रेन। वहीं आगे देखा, सर 2 बजे क्लास थी, हम लोग सोच रहे थे कि गोला मार देंगे, बंक कर देंगे, तो पर लेकिन डिजिटल क्लास थी तो घर बैठे पढ़ रहे थे, बट लेकिन सर बारिश तो हुई है, क्यों, क्योंकि ये अमाउंट ऑफ रेनफॉल क्या है, बड़ा है, तो यहाँ पे क्या हुई है, रेन हुई है, ठीक है। अब इस कर्व का जो स्लोप है, इस कर्व का स्लोप कैसे निकालोगे, टेंजेंट ड्रॉ कर दो, तो ये DP/DT जो है वो क्या दिखाएगा तुमको, इंटेंसिटी दिखाएगा, ठीक है, क्या दिखाएगा तुमको, इंटेंसिटी, तो ये तुमको पता लग जाएगा, ठीक है। याद रखना कैसा कैसा सीन था, सिंपल था काफी, ये 3 वर्ड काफी इंपॉर्टेंट है, अगर ये 3 वर्ड एक एक्सिस पे है तो मास कर्व, अगर ये 3 वर्ड दोनों एक्सिस पे है तो डबल मास कर्व, वो आगे देखेंगे तो और बताऊंगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, कितने टाइप के रिकॉर्डिंग टाइप रेन गेज होते हैं, बस तुमको टाइप पता कर रखना है कि ये क्या होता है, तो द डिफरेंट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिकॉर्डिंग रेन गेजेस यूज्ड आर, फर्स्ट वन इज टिपिंग बकेट, क्या नाम है इसका, टिपिंग बकेट रेन गेज, दूसरा वेइंग बकेट, वेइंग बकेट रेन गेज, ठीक है। वही तीसरा नेचुरल साइफन और फ्लोट टाइप रेन गेज, ठीक है। तो ये तीन कैसे, ये है रिकॉर्डिंग टाइप, नॉन रिकॉर्डिंग टाइप कौन से थे, साइमंस, ठीक है। अब देखो फर्क क्या है, ये तुम खुद से पढ़ सकते थे पर तुमको पता नहीं है कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, इसीलिए क्लास होती है। तो देखो ये इसमें सिर्फ नाम पढ़ने हैं, इनके डीप में नहीं पढ़ना है, गेट में इतना नहीं पूछता कि भैया टिपिंग बकेट में क्या होता है बताओ मेरे को, नहीं पूछता, वो ये पूछेगा कि कितने टाइप के रिकॉर्डिंग है और कौन से नॉन रिकॉर्डिंग है। और तुमको अगर इसके इसमें डीप स्टडी कहाँ होती है, अगर तुम IAS का एग्जाम दे रहे हो तो इसको डीप में पढ़ना, ठीक है। तो इसका मैं वीडियो बाद में भी बनाऊंगा, अभी जैसे गेट का फोकस्ड है, फुल्ली फोकस्ड ऑन गेट, तो अभी सिर्फ गेट के बारे में पढ़ेंगे, दिसंबर के बाद जो जो टॉपिक्स और मतलब डीप में बताने चाहिए उनको मैं डाल दूंगा, ठीक है, सिंपली। तो इनके नाम याद करने हैं कि कौन से टाइप के होते हैं, और
और क्या होता है इनमें, ठीक है? तो इनमें क्या होता है, ग्राफ बनता है सिंपली। तो ये सारी चीजें अपन ने पढ़ ली, ठीक है? तो बढ़िया से पढ़ते रहो और कोई दिक्कत नहीं है। अब इंडिया में क्या यूज करते हैं अपन, इंडिया, अपन इंडिया में रहते हैं तो इंडिया में नोट पॉइंट लिखो। इंडिया में कौन सा यूज होता है, कभी कोई पूछ ले तो इज्जत बची रहनी चाहिए। इन इंडिया द मोस्ट इन इंडिया द मोस्ट कॉमनली यूज्ड रिकॉर्डिंग टाइप, रेन गेज इज नेचुरल साइफन, नेचुरल साइफन टाइप रेन गेज, ठीक है? इंडिया में क्या यूज करते हैं, नेचुरल साइफन टाइप रेन गेज। तो ये बात हो गई दो की, एक था रिकॉर्डिंग एक था नॉन रिकॉर्डिंग। अब कुछ लेटेस्ट इम्प्रूवमेंट्स हुए हैं भैया इसमें, और तो अब बात करेंगे नोट पॉइंट में, नोट पॉइंट में लेटेस्ट इम्प्रूवमेंट इन, लेटेस्ट इम्प्रूवमेंट रेन गेज टेक्नोलॉजी, रेन गेज टेक्नोलॉजी। अब क्या है, तो देखो दो टाइप के आए हैं मार्केट में। डीप में नहीं पढ़ना है ना, इतना नहीं पढ़ना है, क्योंकि देखो फर्क क्या है। अगर वो तुमसे ये पूछेगा, रेन गेज पूछेगा, तो भैया फिर वो फाई इंडेक्स, डब्ल्यू इंडेक्स, यूनिट हाइड्रोग्राफ, जो एकदम कोर टॉपिक है हाइड्रोलॉजी के, जो इम्पोर्टेंट है ना, उनका क्या होगा? वो तो बुरा मान जाएंगे ना यार, कि भाई हमारा इतनी वैल्यू है और तुम एकदम से वैल्यू कम कर दे रहे हो। तो क्वेश्चन कभी भी इधर से नहीं आएगा, बहुत रेयर केस में आएगा, और वो भी क्या आएगा बता दिया है कि ऊपर ऊपर आता है। यहाँ से डीप में क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, जहाँ पे बच्चे फंस सकते हैं, वो फाई इंडेक्स, डब्ल्यू इंडेक्स, इनफिल्ट्रेशन इंडाइसेस, यूनिट हाइड्रोग्राफ, एस हाइड्रोग्राफ, तो वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना? ये तब भी हमें पढ़ना है क्योंकि सिलेबस में है। तो देखो दो टाइप के हैं, फर्स्ट फर्स्ट कौन सा अभी आया है, एक आया है टेली मीटरिंग रेन गेज आया, एक रेन गेज। इसमें क्या होता है, इसमें क्या है, सिंपली देखो रिकॉर्डिंग टाइप रेन गेज, रिकॉर्डिंग टाइप रेन गेज, ये क्या लिखा है मैंने, रिकॉर्डिंग टाइप रेन गेज। इसमें क्या ऐड कर दो, एक इलेक्ट्रॉनिक यूनिट ऐड कर दो, तो वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा तुम्हारा टेलीमीटरिंग रेन गेज। सिंपल सा फंडा, रिकॉर्डिंग टाइप में थोड़ा और एडवांसमेंट कर दिया, इलेक्ट्रॉनिक यूनिट लगा दी। अब इलेक्ट्रॉनिक यूनिट लगा दी तो भैया क्या सीन है, तो अब ये तुम पहाड़ पे हो, यहाँ पे तुम्हारा ये लगा है टेलीमीटरिंग रेन गेज, और तुम्हारा ऑफिस यहाँ पे है, तो कुछ नहीं, इलेक्ट्रॉनिक यूनिट लगी हुई, यहाँ का डेटा ऑटोमेटिकली तुम्हारे ऑफिस में आएगा, किसी इंसान को डेली डेली ऊपर नीचे नहीं होने का, कोई थ्रेटनिंग नहीं है, आराम से बढ़िया डेटा कंप्यूटर पे देखो, हाँ इतना है, चलने दो काम, ठीक है? पहले एक इंसान को सुबह 8:30 बजे भेजते थे, अब उसकी भी जरूरत हट गई। तो इसीलिए क्या कह रहे हैं भैया, मशीन मशीन मत लाओ, नहीं तो लोगों की जॉब चली जाएगी, है ना? तो वो सही कह रहे हैं। तो इसमें ये होता है, इलेक्ट्रॉनिक यूनिट को ऐड कर दिया गया है, ठीक है? तो ये कहाँ पे यूज हो सकता है, ये यूज हो सकता है रिमोट एरियाज में, रिमोट एरियाज और इन एक्सेसिबल लोकेशंस पे, जहाँ पे कोई नहीं जा सकता, वहाँ पे एक बार चले जाओ, इंस्टॉल करके आ जाओ, ठीक है? कौन सा, टीआरजी को इंस्टॉल कर दो। दूसरा होता है रेडार बेस्ड, तो नाम बस ध्यान रखना, कभी पूछ लिया तो पता होना चाहिए। दूसरा रेन गेज कौन सा है, रेडार बेस्ड। तो ये कौन सी एरियल, ये क्या क्या यूज करेगा, इसमें क्या यूज कर रहे होंगे,
नाम में ही लिखा है सब, रेडार यूज कर रहे होंगे ना, रेडार वाली टेक्नोलॉजी यूज कर रहे होंगे इसमें सिंपली, तो इसका नाम दे दिया रेडार बेस्ड रेन गेज। तो ये दो इम्प्रूवमेंट्स हुए हैं और टेक्नोलॉजी का यूज किया गया इन लोगों में, ठीक है। चलो नेक्स्ट आओ, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सबसे ज्यादा इम्पॉर्टेंट, रेन गेज डेंसिटी। रेन गेज डेंसिटी, अब ये रेन गेज डेंसिटी, चलो रेन गेज डेंसिटी देखो। अब रेन गेज डेंसिटी में पहले रिकमेंडेशंस किसके पढ़ेंगे हम, WMO के, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। अब देखो क्या होता है WMO, WMO का हेड ऑफिस कहाँ है। अब देखो ये अपने को पता होना चाहिए, क्यों, जो पढ़ रहे हो उस फील्ड में सब कुछ पता होना चाहिए। सिविल इंजीनियरिंग पढ़ रहे हो, हर एक चीज पता कर लो उसकी, ठीक है, क्यों, इज्जत पे बात आ जाती है भाई। क्या रहा है, तुम सिविल इंजीनियरिंग कर रहे हो, तुमको ये नहीं आता, जैसे ही कोई पूछे बता दो कि भाई हाँ ये। आप कोई सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट से हिस्ट्री पूछे तो तुम्हारी इज्जत पे कोई बात नहीं आएगी, जो पूछ रहा है उस पे कि भैया क्या ही कर रहे हो तुम, थोड़ा सा भी सेंस है, इंजीनियरिंग की हमने, हिस्ट्री ज्योग्राफी थोड़ी पढ़ रहे। तो WMO का हेड ऑफिस कहाँ है, जेनेवा में, जेनेवा। तो ये चीज याद रहनी चाहिए, कभी कोई पूछ ले तो बता दो, ठीक है। नेक्स्ट चीज, अब रिकमेंडेशंस, फॉलोइंग फॉलोइंग आर दी रिकमेंडेशंस, फॉलोइंग आर दी रिकमेंडेशंस ऑफ वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन रिगार्डिंग रिगार्डिंग द डेंसिटी ऑफ रिगार्डिंग द डेंसिटी ऑफ रेन गेजेस, ठीक है। तो देखो फर्स्ट रिकमेंडेशंस क्या है, फॉर फ्लैट रीजन्स, ठीक है, फॉर फ्लैट रीजन्स कितने होना चाहिए, फर्स्ट ऑब्लिक एक रेन गेज इंस्टॉल करो कितने में, 600 से 900 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया में, ठीक है। सेकेंड रिकमेंडेशंस फॉर माउंटेनियस, फॉर माउंटेनियस रीजन, माउंटेनियस रीजन क्या था, तो मैंने क्या बोला था, टोपोग्राफी। अब देखो टोपोग्राफी, माउंटेन आ गए तो एक रेन गेज इंस्टॉल करना है कितने में, 100 से 250 में, मतलब ज्यादा रेन गेज इंस्टॉल करोगे, है ना। ये देखो एरिया कम हो गया, एक इसमें क्या था, फ्लैट वाले में एरिया ज्यादा था, कहने का मतलब क्या है कि ये देखो 600, एरिया कितना है, 600 से 900 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया, 600 से 900 किलोमीटर के में एक रेन गेज यहाँ पे कहीं पड़ा होगा बीच में बेचारा, ठीक है, रेन गेज, ठीक है। वहीं जब ये आया तो एरिया क्या हो गया, एरिया कम हो गया, एरिया कितना रहा, 100 से 200, मतलब अगर मैं एरिया को फिक्स कर दूं, एरिया को अगर मैं फिक्स कर दूं 1000 किलोमीटर स्क्वायर, तो 1000 किलोमीटर स्क्वायर में देखो, 1000 किलोमीटर स्क्वायर में यहाँ पे कितने आ रहे हैं, यहाँ पे अप्रोक्स एक आ रहा है, कौन से फ्लैट एरिया में अप्रोक्स एक रेन गेज लग रहा है, या फिर चलो ठीक है दो लगा दो, दो। वहीं पे यहाँ देखो 250 भी लेता हो तो कितने, 1000 डिवाइडेड बाय 250 करो तो कुछ नहीं, 4 लग जाएंगे, है ना। तो माउंटेनियस में ज्यादा लगते हैं भैया, है ना। जब भी कंपैरिजन करो बेस सेम रखो, तो बेस को क्या रखा, सेम रखा, कहीं पे भी जिंदगी में कभी भी कंपैरिजन करना हो किसी से, बेस सेम रखना, ठीक है, बिना बेस सेम रखे कंपैरिजन मत करना। लास्ट फॉर एरिड रीजन्स, फॉर एरिड एंड एरिड एंड पोलर रीजन, अब उधर क्या स्थिति होगी, इधर स्थिति ऐसी कि एक रेन गेज इंस्टॉल करो कितने में, 15
100 से 10,000, कितना? 10,000, 10,000 किलोमीटर स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे क्या होगी, डेंसिटी और कम हो गई। क्यों कम हो गई? अब भाई एरिड रीजन मतलब जहाँ सूखा पड़ता है, जहाँ बारिश ही नहीं होती है, राजस्थान में इंस्टॉल कर दो तुम 1-1,000, कोई मतलब नहीं। बारिश ही नहीं हो रही, क्या कलेक्ट करोगे? धूप को कलेक्ट करोगे? नहीं, जहाँ पे बारिश नहीं होती, धूप ज़्यादा, वहाँ सोलर सिस्टम, वो सोलर पैनल्स लगाओ जहाँ। और पोलर रीजन्स, वहाँ से पोलर बेयर रहते हैं, तो वहाँ पे क्या करना हमको भाई? वहाँ पे बारिश ना आपके क्या कर लोगे? तो तब भी ठीक है, एक आध लगा दो, कि हाँ पता रहना चाहिए, डेटा वेटा पता रहना चाहिए, तो लगा दो एक। कितने में? 1,500 से 10,000 में। वहाँ कौन रहने जा रहा है? कोई नहीं रहने जा रहा, तो तब भी लगा दो डेटा मेंटेन करने के लिए। तो ठीक है, पोलर रीजन और एरिड रीजन रहेंगे तो डेंसिटी कम हो जाएगी, और जब माउंटेनियस रहेगा डेंसिटी बढ़ जाएगी, और जब फ्लैट रहेगा तो इन दोनों के बीच में कहीं रहेगी डेंसिटी। ठीक है, तो ये किसके थे? ये थे WMO, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के रिकमेंडेशंस थे। अब हम इंडिया में तो IAS रिकमेंडेशंस भी पढ़ने पड़ेंगे, तो नेक्स्ट पॉइंट IAS रिकमेंडेशंस। ये याद रखो मत रखो, पर IAS वाले याद रखना, क्योंकि हम इंडिया में रहते हैं। इंडियन स्टैंडर्ड रिकमेंडेशंस, रिकमेंडेशंस, ठीक है। अब इंडिया में क्या हालात है? इंडिया में हालात ऐसे हैं कि IAS कोड जो है वो क्या है, कॉपी कर करके बना है, बढ़िया सा बढ़िया, एक नंबर। थोड़े से मॉडिफिकेशन कर दो, मस्त काम हो जाता है इंडिया में। तो पहला, फॉर प्लेन रीजन्स। प्लेन रीजन में क्या व्यवस्था है? एक लगाओ कितने में? 520 किलोमीटर स्क्वायर में, ठीक है। दूसरा, फॉर रीजन्स हैविंग एवरेज एलिवेशन ऑफ 100 मीटर, 1,000 मीटर। एवरेज एलिवेशन ऑफ 1,000 मीटर मतलब क्या है? समुद्र तल से वो प्लेस की दूरी, एलिवेशन कितना है वहाँ पे, कितना लगाओ? एक रेन गेज लगाओ कितने में? 260 से 390, 260 से 390 किलोमीटर स्क्वायर में, ठीक है। वहीं तीसरा, फॉर हिली हिली रीजन्स ऑब्लिक ओ सॉरी फॉर हिली रीजन्स विथ फॉर हिली रीजन्स विथ हैवी रेनफॉल, विथ हैवी रेनफॉल। हिली रीजन कहाँ है? मनाली अनाली कुल्लू उल्लू साइड, तो वहाँ एक रेन गेज लगाओ कितने में? 130 किलोमीटर स्क्वायर में, ठीक है। इतने एरिया में एक रेन गेज लगाओ। तो ये क्या हो गया? सिंपली ये IAS रिकमेंडेशंस हुए, ठीक है। नोट लिखो, थोड़े थोड़ा डेटा है वो तुम्हें पता रहना चाहिए, ताकि अब हर बार दूसरी थोड़ी क्वेश्चन पूछेंगे, तुम भी तो काउंटर क्वेश्चन कर सकते हो ना, तो ये तुम्हारी काउंटर क्वेश्चन के लिए। एज पर एक्चुअल डेटा अवेलेबल, इंडिया हैज ए रेन गेज, इंडिया हैज ए रेन गेज डेंसिटी डेंसिटी ऑफ वन रेन गेज ऑब्लिक 600 किलोमीटर स्क्वायर में। इंडिया की डेंसिटी कितनी है? एक रेन गेज लगा है इंडिया में 600 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया में, एक रेन गेज, ठीक है, जो कि क्या है, विच इज हाईली इनसफिशियंट। तो इसलिए क्या होता है, कभी कभी क्या फोरकास्टिंग जो होती है, कि बारिश होगी ज़्यादा होगी, क्या डेटा में काफ़ी एरर है हमारे यहाँ के। क्यों? क्योंकि भाई रेन गेज की डेंसिटी कम है, बहुत कम है, इनसफिशियंट है ये। एक में 600 किलोमीटर स्क्वायर में एक एक रेन गेज लगा है। वहीं अगर बात करें वर्ल्ड लेवल की, तो इज़राइल
कौन सी कंट्री? इज़राइल। इज़राइल इज द कंट्री विच हैज मैक्सिमम डेंसिटी, विच हैज मैक्सिमम डेंसिटी ऑफ रेनगेज स्टेशन, रेनगेज स्टेशन। अब इनकी मैक्सिमम डेंसिटी कितनी है तो उनकी देखते हैं, फिर कंपैरिजन करेंगे। 37 अपॉन 1000 किलोमीटर स्क्वायर। कहना क्या चाहते हो सर? बेस सेम रखो बेटा, कंपैरिजन करना है। बेस सेम, बेस को क्या रख लेते हैं? 1000 रख लेते हैं। चलो ये 1000 किलोमीटर स्क्वायर में कंपैरिजन करते हैं। इसराइल में कितने? इसराइल में 37 रेनगेज लगे। इंडिया में कितने? 600 का डबल करो 1200, तो मतलब इंडिया में अप्रोक्स 2 लगे होंगे, तो हाईली इनसफिशियंट। तो इसराइल में 37 लगे, भारत में 2 लगे, ठीक है। तो ये बात हो गई इसकी। अब वहीं WMO ने एक और रिकमेंडेशन दिया जो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ये तो तुम्हारे डेटा एटा का खेल था, चार लोगों के सामने थोड़ी इज्जत बढ़ाने के लिए, अब काम की चीज एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। एज पर रिकमेंडेशंस ऑफ WMO, क्या बोला उन्होंने? एटलीस्ट भैया, एटलीस्ट 10% ऑफ द रेन गेज should be of recording type, ठीक है। क्या है मान लो मैं बात करता हूँ इंदौर की बात करता हूँ। इंदौर में मेरे को रेन गेज लगाने हैं, तो अभी रेन गेज कैलकुलेट कैसे करते हैं ये अभी देखेंगे अपन, कि कितने लगाने पड़ते हैं, अभी आगे पढ़ेंगे, है ना। मान लो इंदौर में मेरे को रेनगेज लगाने हैं, मैंने कैलकुलेट किए कि कितने नंबर ऑफ रेनगेजेस लगाओ ऑप्टिमम नंबर, तो ऑप्टिमम नंबर आया मान लो 10, 10 रेनगेज लगाने हैं। तो अब कौन से लगाओ सर, तुम पूछोगे मेरे से कि कौन से लगाओ सर, रिकॉर्डिंग लगाओ कि नॉन रिकॉर्डिंग लगाओ। तो भाई रिकमेंडेशन दी थी 10%, 10 का 10% कर लो कितना होता है, 10 का 10%, तो ये तो हो गया कितना, 1। तो मतलब 10 में से 1 तो भैया रिकॉर्डिंग टाइप होना ही चाहिए, बाकी के 9 कैसे लगा दो? नॉन रिकॉर्डिंग टाइप। बहुत पैसा है तो 10 के 10 कैसे लगा दो? रिकॉर्डिंग टाइप। बट कम रिकमेंडेशन क्या है, कम से कम 1 तो रिकॉर्डिंग टाइप होना ही चाहिए। तो एक कैसा रिकॉर्डिंग टाइप लगा दो, नौ कैसे लगा दो? नॉन रिकॉर्डिंग टाइप। दूसरा क्या हो सकता है, बहुत पैसा, अंधा पैसा, तो 10 के 10 कैसे लगा दो? रिकॉर्डिंग टाइप। बट शर्त क्या है, कम से कम 1 तो होना ही चाहिए, और 0 कैसे रहेंगे? नॉन रिकॉर्डिंग टाइप, ठीक है। तो ये रिकमेंडेशंस का मतलब है। तो जब क्वेश्चन आएगा तो उसमें ये अप्लाई करना है, क्यों? क्योंकि ये रिकमेंडेशन क्वेश्चन करेंगे आज। नेक्स्ट पॉइंट, ऑप्टिमम नंबर ऑफ रेन गेज कैसे निकालेंगे सर? ऑप्टिमम नंबर ऑफ रेन गेज, ये कैसे निकालेंगे? तो ऑप्टिमम नंबर ऑफ रेन गेज अगर तुमको निकालना है तो देखो, दिस इज गिवन एज, सिंपल सा फॉर्मूला है, एन इक्वल्स टू, एन क्या है? ऑप्टिमम नंबर ऑफ रेन गेज इक्वल्स टू सी वी अपॉन एप्सिलॉन का होल स्क्वायर। ये क्या है तुम्हारा? ऑप्टिमम नंबर ऑफ रेन गेज का फॉर्मूला है। दिस डिपेंड्स ऑन अलाउेबल परसेंटेज एरर, जिसको क्या बोलते हैं? एप्सिलॉन। एप्सिलॉन क्या है? अलाउेबल परसेंटेज एरर। एंड सी वी क्या है? वेरिएशन, वेरिएशन, और वेरिएशन को और क्या बोलते हैं? डेविएशन, वेरिएशन बोलो या डेविएशन इन द गिवन डेटा, इन द गिवन
रेनफॉल डेटा, रेनफॉल डेटा। क्वेश्चन क्या हो सकता है, क्वेश्चन में तुमसे क्या क्या हो सकता है? सीवी, रुको सीवी का फॉर्मूला देख लो फिर देखते हैं। सीवी क्या होगा, सीवी होगा सिग्मा अपॉन एक्स बार इंटू 100। ठीक है, सीवी का फॉर्मूला है। वही सिग्मा क्या है, सिग्मा है स्टैंडर्ड डेविएशन। सिग्मा क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन। एक्स बार क्या है, जो भी डेटा है उसका क्या है, मीन। ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला सिग्मा इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ समेशन ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार अपॉन एन माइनस वन। ठीक है, एंड एक्स बार का फॉर्मूला क्या है, समेशन ऑफ एक्स आई अपॉन एन। ठीक है, मीन का फॉर्मूला है। अब देखो ये सब तो ठीक है, फॉर्मूला वॉर्मूला है ना। अब देखो क्वेश्चन क्या आ सकता है, तुमको बोल देगा नंबर ऑफ, ऑप्टिमम नंबर ऑफ रेन गेज बताओ। डेटा दे देगा, डेटा दे देगा तो तुमको स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना आना चाहिए और मीन निकालना आना चाहिए और तुमको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो तुम वहां से क्या निकालोगे, वहां से निकालोगे सीवी। और क्वेश्चन में लिखा होगा कि अलाउेबल परसेंटेज एरर, अलाउेबल परसेंटेज एरर एप्सिलॉन 10% के लिए निकालो। तो या तो ये निकलवाएगा, ठीक है, या दूसरा टाइप क्या हो सकता है, दूसरा टाइप ये हो सकता है, ऑप्टिमम नंबर ऑफ रेन गेज दे दिया, डेटा से क्या दे दिया, सीवी निकलवा दिया। सीवी कैसे निकलेगा, सिग्मा निकालो, एक्स बार निकालो, फॉर्मूले में पुट करो, सीवी निकालो और यहाँ से क्या निकाल दो, ये जो ये एप्सिलॉन निकालना था परसेंटेज एरर वो निकाल दो। ठीक है, तो ये दो टाइप के क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। ठीक है, वहीं अगर देखो आगे बात करते हैं एक इंपॉर्टेंट चीज, सिग्मा नोट, सिग्मा का जो है, सिग्मा सिग्मा के दो फॉर्मूले होते हैं, तुम लोगों ने भी पढ़े होंगे कि एक तो है समेशन ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार अपॉन एन। ठीक है, सिग्मा इक्वल्स टू समेशन ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार अपॉन एन माइनस वन। तो जब एन किससे ज्यादा होंगे, 30 से ज्यादा होंगे, तो ये वाला फॉर्मूला यूज करना। ठीक है, और जब एन लेस देन 30 होगा, जब डेटा 30 से कम होगा, तो ये वाला फॉर्मूला यूज करना। अब एग्जाम में क्या होगा, एग्जाम में हमेशा यही आएगा। क्यों, अब तुमको 31 डेटा दे देंगे, पागल थोड़ी है वो लोग, कि बेटा 30 डेटा का मीन निकालो, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालो, टाइम कंज्यूम थोड़ी करवाना है, दिमाग लगवाना है तुमको। जब फर्दर आगे काम करोगे तो क्या, जब 30 से ज्यादा डेटा रहेंगे तो ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देख लेना, कभी तुमको 31 40 50 डेटा थोड़ी देंगे कि 40 50 डेटा है तो तुम उसका मीन निकालो और स्टैंडर्ड डेविएशन। नहीं भैया, ऐसा नहीं करेंगे वो। तुम वो 12th क्लास का पेपर नहीं दे रहे, तुम गेट का पेपर दे रहे हो। तो हमेशा क्वेश्चन कहाँ से फंसेगा, यहाँ से फंसेगा। बट तुमको पता होना चाहिए कि अगर डेटा 30 से ज्यादा है तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा। अब ये एन माइनस, सॉरी 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 सॉरी, उल्टा कर दिया मैंने, उल्टा क्या किया मैंने, उल्टा मैंने ये कर दिया, देखो। हाँ ये कर दिया है, ये देखो, दोनों सेम थे। जब डेटा n इज ग्रेटर देन 30 रहेगा तो क्या लगेगा, यहाँ पे n माइनस वन, क्या लगेगा, n माइनस वन। ठीक है, जब डेटा n, और वहीं अगर n से लेस देन 30 रहेगा, मतलब नंबर ऑफ डेटा 30 से कम रहेगा, तो n लगेगा। और तुमको हमेशा क्या लगेगा, तुमको हमेशा ये वाला क्वेश्चन आएगा, ये वाला नहीं, ये यही वाला फॉर्मूला पुट करना है। ठीक है, ये वाला नहीं पुट करना, या फिर देख लेना डेटा किस कैसा कैसा दिया है। तो देखो इसमें ये जनरली क्या होता है, जब डेटा ज्यादा होता है तो क्या होता है कि एक्स आई जो है वो किसके बराबर आ जाता है, एक्स बार। तो एक डेटा ऑटोमेटिकली कम हो जाता है, तो इसलिए यहाँ पे एक्स एन माइनस वन यूज करते हैं। ठीक है, ठीक है। वहीं अगर एप्सिलॉन की बात करें तो द स्टैंडर्ड एरर, द स्टैंडर्ड एरर
फॉर गिवेन नंबर ऑफ रेन गेज, जो दूसरा क्वेश्चन है, रेन गेज कैन बी ऑब्टेन, कैन बी ऑब्टेन एज, ये जो दूसरा क्वेश्चन है वो है। पहला क्वेश्चन तो क्या है, एन निकालना था, तो एप्सिलॉन स्टैंडर्ड कैसे निकलवाएगा तुमसे, तो वो सी वी अपॉन अंडर रूट ऑफ एन, ठीक है। नम वेयर एन इज, एन इज गिवन नंबर ऑफ, गिवन नंबर ऑफ रेन गेज, वेयर एन इज गिवन नंबर ऑफ रेन गेज, ठीक है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आज का लास्ट टॉपिक, लास्ट टॉपिक क्या है, एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन, ए कैचमेंट हैज सिक्स रेन गेज, रेन गेज स्टेशंस, ठीक है। ए कैचमेंट हैज सिक्स रेन गेज स्टेशंस इन ए पर्टिकुलर, इन ए पर्टिकुलर ईयर द एनुअल रेनफॉल, द एनुअल रेनफॉल रिकॉर्डेड बाय डिफरेंट गेजेस। देखो अभी थोड़ा क्लियर हो जाएगा, और ऊपर थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया होगा तुम लोगों को। आर एस फॉलोस, आर एस फॉलोस, ठीक है, आर एस फॉलोस स्टेशन यहाँ लिखता हूँ, और इनकी, इनने कितना डेटा कलेक्ट किया वो यहाँ लिखूंगा, ठीक है। तो एक ए था, एक बी था, एक सी था, एक डी था, एक ई था, एक एफ स्टेशन था, ठीक है। इनका डेटा लिखते हैं, डेटा अगर लिखे तो इसका 82.6 सेंटीमीटर, 102.9 सेंटीमीटर, 180.3 सेंटीमीटर, 110.3 सेंटीमीटर, 110.3 सेंटीमीटर, 98.8 सेंटीमीटर, 136.7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये डेटा आ गया। और क्या बोला, फॉर ए 10% एरर, फॉर ए 10% एरर इन द एस्टिमेशन, इन द एस्टिमेशन 10% एरर इन दी एस्टिमेशन, इन दी एस्टिमेशन ऑफ मीन रेनफॉल, इन रेनफॉल फाइंड दी एन, मतलब नंबर ऑफ रेन गेजेस फाइंड दी एन। तो देखो ये डेटा दिया हुआ है, ठीक है। अभी जो ऊपर बताया था सब भूल जाओ, ठीक है। अब यहाँ पे क्या निकालोगे, मीन निकालोगे, एक्स बार निकालो, एक्स बार कितना आ रहा है, तो सबका सम कर लो, 82.6 प्लस 102.9 प्लस 180.3 प्लस 110.3 प्लस 98.8 प्लस 136.7 अपॉन, कितने थे, 6 थे। तो करो जरा कैलकुलेट करो, 82.6 प्लस 102.9 प्लस 180.3 प्लस 110.3 प्लस 98.8 प्लस 136.7 डिवाइडेड बाय 6, ठीक है। तो ये कितना आ रहा है, एवरेज आ रहा है 118.6 सेंटीमीटर, ठीक है। और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालोगे तो याद रखना, हमेशा कौन सा वाला लगाओगे, n-1 वाला। वहां पे मैंने क्या बताया था, n-1, ठीक है।
एन माइनस वन वाला ही लगाना है। तो जब एन माइनस वन वाला लगाओगे तो क्या होगा, वो समेशन ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार अपॉन एन माइनस वन। तो एन कितने हैं यहाँ पे, एन है कितने, सिक्स है, तो एन माइनस वन कितना होगा, फाइव होगा। तो यहाँ पे अंडर रूट ऑफ समेशन ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार अपॉन फाइव, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है, यही इम्पोर्टेंट है, बाकी कुछ नहीं। एन माइनस वन वाला ही लगाना है, एन माइनस वन वाला ही लगाना है, ठीक है। तो इसका कुछ आंसर आएगा कितना, 35.036 का वेरी स्टैंडर्ड डेविएशन आएगा। तो वहीं इसको सीवी में पुट करोगे तो सीवी क्या होता है, सिग्मा बाय एक्स बार इंटू 100, तो ये कितना आएगा, ये सिंपली आएगा 118.6 बाय 30, उल्टा लिख दिया फिर से, 35.036 अपॉन 118.6 इंटू 100, तो ये कुछ आएगा कितना, 29.54% आएगा वेरिएशन, है ना। तो ये आया कितना, 20, सिंपली कितना आ रहा है, 29.54 आ रहा है। तो अब कितना, एन का फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ ऑप्टिमम नंबर ऑफ रेन गेजेस का फॉर्मूला क्या है, ऑप्टिमम नंबर ऑफ रेन गेजेस का फॉर्मूला है सी वी अपॉन एप्सिलॉन का होल स्क्वायर। तो सी वी पुट कर दो 29.54, एप्सिलॉन पुट कर दो, एप्सिलॉन क्या था सर, एप्सिलॉन था 10.10, एप्सिलॉन था 10%, तो 10 पुट कर दो, ठीक है। तो ये स्क्वायर, तो ये कुछ आएगा कितना, 8.7। जब ये 8.7 आएगा तो आधा रेन गेज थोड़ी लगा के आओगे, तो हमेशा ज़्यादा ही रेन गेज लगाना। तो कितने रेन गेज लगाओगे, 9, ठीक है, 9। तो लिख लो, अगर देखो इफ वी गेट 8.1 भी आता ना तो भी क्या यूज करना था, देन ऑल्सो वी विल टेक 9। क्यों भैया, फैक्टर ऑफ सेफ्टी, सेफर साइड रहेंगे अगर 9 लगाएंगे तो, ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन हो गया, ऑप्टिमम नंबर ऑफ रेन गेजेस कितने आ गए तुम्हारे पास, 9। वहीं दूसरा क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन नंबर 2, इसी का बी पार्ट बोलूं अगर मैं, तो बी पार्ट बनता है, व्हाट इज द स्टैंडर्ड एरर एरर फॉर द गिवन डेटा। तो ये भी पूछा जा सकता है, तो फॉर द गिवन डेटा स्टैंडर्ड एरर बताओ। तो उसका फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, उसका फॉर्मूला क्या था, स्टैंडर्ड एरर का फॉर्मूला, तो याद करो वो फॉर्मूला, याद करो वो फॉर्मूला, फॉर्मूला था सर एप्सिलॉन स्टैंडर्ड इक्वल्स टू सी वी अपॉन अंडर रूट एन, ये था। एन क्या थे, गिवन नंबर ऑफ रेन गेज स्टेशंस। तो ये कितना आएगा, 29.54 अपॉन अंडर रूट ऑफ 6। जब इसको सॉल्व करोगे तो स्टैंडर्ड एरर कितनी आएगी, वो आएगी 12.06%, ठीक है। तो ये दूसरा क्वेश्चन, वही और क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सी क्वेश्चन, हाउ मैनी ऑफ दीज रेन गेजेस शुड बी ऑफ रिकॉर्डिंग टाइप, कितने होने चाहिए रिकॉर्डिंग टाइप। तो बोले सर जितने भी है उसका 10%। तो ऑप्टिमम नंबर ऑफ रेन गेजेस कितना है, देखो एन क्या है, ऑप्टिमम मतलब इतने चाहिए, ऑप्टिमम नंबर ऑफ रेन गेजेस। छोटा एन क्या है, छोटा एन है गिवन नंबर ऑफ रेन गेजेस, है कितने, गिवन कितने, 6 है। जरूरत कितनी की, 9 की है, कि 9 लगा दो तो ऑप्टिमम नंबर हो जाएगा, काम सही साथ चलेगा, ठीक है। तो ये बड़े एन में और
और छोटे एन में फर्क है। अब यहाँ पूछा है रिकॉर्डिंग टाइप बताओ, तो रिकॉर्डिंग टाइप कितना होता है, एन का 10% देख लो, तो 9 का 10% कितना होगा, 9 का 10% जब करने जाओगे तो वो कुछ आएगा 0.09, तो मतलब कितने लगा दूं मैं, आधा रिंग गेज लगाओगे क्या, नहीं एक लगा दो, तो एटलीस्ट यहाँ पे लिखो एटलीस्ट 10% ऑफ 9, दैट इज कितना, दैट इज 0.9, बट लेकिन 0.9 आधा रिंग गेज नहीं लगा सकते, तो अप्रॉक्स इक्वल्स टू एक कैसा होना चाहिए, एटलीस्ट 1 रिकॉर्डिंग टाइप, एटलीस्ट 1 रिकॉर्डिंग टाइप, एटलीस्ट 1 रिकॉर्डिंग टाइप रेन गेज, ठीक है। तो यहाँ से तुम्हारे 3 क्वेश्चन कवर हो गए, ठीक है भाई। देखो एक कन्फ्यूज़न हो सकता है ना, वो कन्फ्यूज़न दूर कर लो। स्टैंडर्ड डेविएशन में फॉर्मूला कौन सा लगाना है, n-1 वाला ही फॉर्मूला लगाना है, ठीक है, n-1 वाला ही लगाना, वो स्टैटिस्टिक्स वाले कंसेप्ट पे चला गया था मैं, तो हो जाता है कभी कभी, ठीक है। आज के पूरे लेक्चर में एक ही डाउट आ सकता है, स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला, तो वो तो बता दिया n-1 वाला, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं, अगली क्लास में पढ़ेंगे एस्टिमेशन ऑफ मिसिंग रेनफॉल डेटा, ठीक है, एस्टिमेशन ऑफ मिसिंग रेनफॉल डेटा पढ़ेंगे, और क्या पढ़ेंगे, इनकंसिस्टेंसी पढ़ेंगे, और एवरेज रेनफॉल कितनी मेथड से निकाली जाती है ये पढ़ेंगे। अभी आज के लिए इतना ही, किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट कर दो, या और व्हाट्सएप का ग्रुप की लिंक है, व्हाट्सएप के ग्रुप में मैं एडमिन हूँ, तो वहाँ से आप मेरे को व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं, तो कोई भी डाउट आप मेरे को व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं, ठीक है। आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं, नेक्स्ट क्लास में क्या क्या पढ़ना है हम बता दिया है अभी, सो आराम से घर पे रहें, पढ़ाई करते रहें, क्वेश्चंस लगाते रहें, और जिन बच्चों का एसएससी के एग्ज़ाम है उनको ऑल द बेस्ट, आज से शायद कल से एसएससी के एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहे हैं, तो ऑल द बेस्ट, आराम से पढ़ाई करो, बढ़िया, ठीक है। चलिए मिलते हैं, जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए एंड शेयर कर दीजिए। चलिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और बहुत जल्दी हम लोग रात के टाइम में भी स्ट्रीम करेंगे, तो रात का टाइम देख लेना, जब भी नोटिफिकेशन आए तो उसी के आसपास प्लस माइनस 30 मिनट्स कर लेना कि कब करने वाले कब नहीं करने वाले, तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा, क्योंकि जब मैं फ्री रहता हूँ तो हाफ एन आवर पहले ही डाल देता हूँ स्ट्रीम का, ठीक है। चलिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, कोई भी डाउट है तो आप व्हाट्सएप ग्रुप पे आके या टेलीग्राम पे ज्वाइन हो सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में मैं एडमिन हूँ, तो मेरे को वहाँ से टेक्स्ट कर सकते हैं, तो आपके डाउट्स वहाँ क्लियर कर दिए जाएंगे। चलिए थैंक यू।